तो गाइज हम लोग फिर से आ गए हैं सेल्फी पॉइंट पे, और मेरे ठीक पीछे देखिए वैली है। फाइनली हम लोग पतरातू वैली पहुंच गए हैं। देखिए मेरे ठीक पीछे कितनी भीड़ है। तो आज हॉट लिप्स रेस्टोरेंट एंड बार में आज हम लोग का लंच होगा। ये समायरा तैयार हो गई है। कैसा ड्रेस चाहिए? एकदम इसकी तरह। ये देखिए तैयार हो रही है मैडम माया। रेडी? यस। आज कहाँ हम लोग एक्सप्लोर करेंगे? पतरातू वैली। ओके गाइस, ये देखिए राजा आया हुआ है वेस्ट बंगाल इलम बाजार से। हाय करो। हाय। तो अपनी धन्नो रेडी हो गई है, और चलिए अब बैठते हैं, निकलते हैं। चलें बैठते हैं, चलो अंदर भाई। ये देखिए समायरा जो है पानी ले लिए, वाटर बोतल से पी रही है बेटा। आज जो है रांची का मौसम पूरा धूप खिला हुआ है, अब थोड़े थोड़े बादल भी हैं, तो बारिश होने का चांसेस जो दिखा रहा है 50% शाम में। फाइनली हम लोग मेन रोड पे आ गए हैं, ब्लैक चश्मा लगा के एज यूजल। बरसात हो गई। तो बरसात हो गई एज यूजल, और आज हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बरसात दुबे शर्मा पतरातू वैली। हमारे राजा साहब ऐसे टाइम में आए हैं जो कि सावन में ये है, और हम लोग कुछ नॉनवेज वगैरह का प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग होटल में खा सकते हैं, राजा को खिलाएंगे। क्यों? हम लोग नहीं खाएंगे, राजा को खिलाएंगे। राजा को खिलाएंगे। तो हम लोग इस वाले रोड से चल रहे हैं, ये कोकर रोड है, और हम लोग अंदर अंदर टाउन से जाएंगे, और कांके रोड होते हुए हम लोग निकल जाएंगे पतरातू वैली। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं मुराबादी मैदान। मेरा बोल रही कि इसे वाटर पार्क जाना है। कहाँ जाना है बताओ? मुराबादी वाटर पार्क। वो वाइल्ड वादी था बेटा। फाइनली हम लोग लंच के लिए आ गए हैं हॉट लिप्स होटल। देखिए मेरे पीछे, तो आज हम लोग का लंच हॉट लिप्स में होगा। चले जल्दी। तो आज हॉट लिप्स रेस्टोरेंट एंड बार में आज हम लोग का लंच होगा, तो चलिए अंदर चलते हैं। थैंक यू। अंदर चलते हैं। ये सोफ़ा वाला सीट हम लोग लिए हैं, सोफ़ा में बैठने में कम्फर्ट फील होता है ना। तो राजा क्या खाओगे बताओ? निरामिस। निरामिस, निरामिस खाएगा ये, समझी? गाइस वेज में वेज आइटम को ऑर्डर देने में इतना माथा मारी होता है ना, सावन चल रहा है अभी, हम लोग नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। ये बोला कि हम पूरा निरामिस, तो निरामिस। स्टार्टर हमारा आ गया बेबी कॉर्न चिली। ये देखिए सबके प्लेट में आ गया ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं, बेबी कॉर्न चिली खाते हैं ना। तो बेबी कॉर्न चिली आ गया, ऐसा टेस्ट करते हैं। तो भैया खाना लेके आ गए हैं। क्या आज हम लोग का लंच में है? क्या है? पालक कॉर्न मशरूम कढ़ाई स्टीम राइस, और ये रहा क्या, ये बताओ, मसाला कुलचा। तो खाना हम लोग आ गया, चलिए इसको टेस्ट करते हैं। है। क्या? फाइनली लंच कर लिए, निकलते सीधा पतरातू वैली। चलिए आपको एक्सप्लोर करते हैं पतरातू वैली। तो ये देखिए सामने होर्डिंग्स में है 28 किलोमीटर पतरातू, तो यहाँ से हमें 28 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। और काफ़ी सुहावना मौसम आज कर दिया है, हालांकि बारिश का दिन है, और धूप भी बहुत खिली खिली हुई है आज। तो ये बात सन 1957 का है, उनका इनका इलाज वही कांके हॉस्पिटल में हुआ था। दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आ गया था क्या? क्या राजा है ना, एक्चुअल में हुआ था। हुआ था एक्चुअल में, और इसी हॉस्पिटल में ठीक होके आई है। यस। और उसके बाद मेरे पल्ले पड़ी। ये जो पतरातू वैली का जो रोड है काफी औसम है, ये देखिए, और बीच में ब्रेक मार के लोग दिमाग को खराब करते रहता है। तो गाइस खैर छोड़िए इन बातों को, ये देखिए पूरा क्लीन क्लीन ग्रीन ग्रीन, और काफी सुंदर रोड है। जाएगा कोई, ये देखिए गाइस घाटी क्षेत्र स्टार्ट हो गया है, और काफी शार्प टर्न है, देखिए यू टर्न। तो सीन जो है काफी औसम है, ये देखिए कैमरे में आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से 19 किलोमीटर और है पतरातू विद्युत क्या है उत्पादन निगम लिमिटेड। और देखिए यहाँ पे लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, देखिए लड़की लोग बैठी हुई है। वहाँ से जो सीन है काफी अमेजिंग है, ये देखिए काफी अमेजिंग सीन, मतलब क्या बोले एकदम। पतरातू वैली जब भी आते हैं तो मन खुश हो जाता है, पहाड़ पर्वत रोड और टर्न्स।
यहाँ से जो है गाइज ये देखिए सेल्फी पॉइंट स्टार्ट हो जाता है और देखिए काफी सारी गाड़ियाँ खड़ी है। देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे और कितने सारे लोग हैं, है ना। काफी सारे लोग यहाँ रुके हुए हैं। ये पूरा सेल्फी जोन और ये पूरा रोड जाम रहता है। फाइनली हम लोग पतरातू वैली पहुँच गए हैं। देखिए मेरे ठीक पीछे कितनी भीड़ है और मेरे ठीक पीछे देखिए वैली दिख रहा होगा। राइडर लोग भी जा रहे हैं, तो चलते हैं। आई लव पतरातू वैली जहाँ लिखा हुआ है वहाँ हम लोग चलते हैं और वहाँ पे फोटो क्लिक्स करवाते हैं कुछ। ठीक पीछे आप देख सकते हैं झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का आई लव पतरातू वैली पीछे लिखा हुआ है और मेरे ठीक पीछे देखिए पूरा वैली है। और अभी हम लोग चलेंगे पतरातू डैम एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए मैं पूरा वाइड एंगल कैमरे से दिखा रहा हूँ। क्या राजा मज़ा आया? एकदम फुल टू मज़ा। गाइज अभी हम लोग वैली के बीच में रुके हुए हैं। देखिए इंस्टाग्राम रील्स बना रही है और हम लोग यहाँ इंजॉय कर रहे हैं बैठ के। काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और देखिए मेरे ठीक पीछे वो दिख रहा है पतरातू डैम। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे तो रील्स बनाते हैं, थंबनेल का फोटो शूट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से ना। तो शाम होने वाली है गाइज और ये लोग को डैम जाने का मन नहीं था तो सॉरी फॉर देट। नेक्स्ट किसी ब्लॉग में हम लोग डैम का भी वीडियो दिखाएंगे बना के। ये देखिए सनसेट भी हो रहा है, सन मेरे ठीक बिल्कुल सामने में है। क्या सुंदर नज़ारा है सनसेट का। और ये देखिए मैं पूरा व्यू दिखा रहा हूँ कैमरे से, पूरा ये पतरातू वैली है और मेरे ठीक सामने डैम जो कि पोस्टपोन हो गया। अभी हम लोग नहीं जाएंगे, किसी नेक्स्ट ब्लॉग में जाएंगे। तो कैसा लगा राजा आके यहाँ? मज़ा आया है ना? सॉलिड मज़ा आया। यस तो गाइज हम लोग फिर से आ गए हैं सेल्फी पॉइंट पे और मेरे ठीक पीछे देखिए वैली है। ये कट दिख रहा है हार्ट शेप का, यही पतरातू वैली का सबसे फेमस कट है ये हार्ट शेप। देखिए हार्ट शेप दिख रहा होगा। तो अब यहाँ से सीधा चलते हैं घर क्योंकि अब वर्षा जी का भी तबीयत थोड़ा ख़राब है तो हमें घर जाना होगा। राजा भी थक गया है, चलिए चलते हैं और थोड़ा यहाँ फोटो वोटो खिंचवाते हैं और निकलते हैं सीधा घर। लोग उस वाले पॉइंट पे फ़ोटो खिंचवा रहे थे और हम लोग यहाँ से लौट रहे हैं वापस रांची के लिए। और ये देखिए काफ़ी सुंदर तरीके से इसे डिजाइन किया गया है, रंग बिरंगा दीवार और इसमें लिखा हुआ है आई लव पतरातू वैली। और देखिए यहाँ काफ़ी लोग सेल्फी ले रहे हैं, ये देखिए आई लव पतरातू वैली। तो काफ़ी सुंदर जगह है और ये देखिए सनसेट भी हो रहा है तो एकदम ऑसम टाइप का सीन है, ऑसम मस्त वाला एकदम क्या बोले मार्वेलस माइंड ब्लोइंग। और ये देखिए आइसक्रीम खाना है किसी को? तो मस्त सीन है यार, पूरा जंगल घना जंगल। अगर इस जंगल में वर्षा दुबे को उतार दिया जाए तो क्या होगा? जंगल है या भी रात है? ओह माय गॉड। तो गाइस आज हम लोग काफी एंजॉय किए हैं इस पतरातू वैली में, काफी रील शूट किया गया आज। तो इंस्टाग्राम रील्स में कितना व्यूज मिलेगा? एक तो 2 मिलियन चला गया, 2 मिलियन। अभी हम लोग लौट ही रहे हैं और पिठोरिया क्रॉस कर रहे हैं और देखिए विंडशील्ड पे बारिश की बूंदे और ये बारिश स्टार्ट हो चुकी है। वाइपर भी देखिए चल रहा है गाइस और काफ़ी झमाझम बारिश हुई है इधर वैली से 10 किलोमीटर के बाद ये बारिश हुई है। तो देखते हैं रांची पहुँचते हैं। देखिए मौसम काफ़ी मस्त कर दिया है, बादल भी है और लग रहा है रात में भी बारिश होगी कंटिन्यू। तो अभी हम लोग रांची के मोराबादी में रुके हुए हैं। देखिए मकई पकवा रहे हैं, मकई खाते हैं और निकलते सीधा घर के लिए।